नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आप सब लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपना जो स्कॉलरशिप है उसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। पूरे तीन तरीके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, तो आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर मैं जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दरअसल मैं यहाँ पर पूरा मोबाइल फ़ोन से ही बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई हैं ज़्यादातर लोग सब अपना मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना मोबाइल फ़ोन से ही स्टेटस चेक करना बताया जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल तीन तरीके यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए बताया है इस वीडियो में, तो आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप फ्रेश वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आपका सेकंड ईयर है तो रिन्यूअल वाले पर आपको क्लिक करना है, आपको होल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इंटरमीडिएट पर, अगर दसवीं है तो प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे, अगर आप पोस्ट मैट्रिक हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन है तो पोस्ट मैट्रिक वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, सबसे लास्ट वाले में आपको अपना कैप्चा कोड डालना है जो कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है। कैप्चा कोड जो लिखा गया सेम टू सेम आपको वही कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल खुलकर ओपन हो जाएगी, जैसा कि अभी आप यहां पर अपना देख पा रहे हैं। तो गाइस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहां पर क्लिक करें, तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है यहां पर क्लिक करें, यहीं पर आपको क्लिक करना है, यहीं से आपका स्टेटस जो है आपका दिखाया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसमें देखते हैं क्या स्टेटस शो कर रहा है अभी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस वी आर सॉरी करके कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये अभी यहाँ पर जब गाइज आपका यहाँ पर आ जाएगा स्कॉलरशिप तब यहाँ पर आपका शो करने लगेगा स्थिति। तो ये आपका हो गया एक। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ स्टेटस का जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है होम पर आने के बाद। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, जन्मतिथि डालना है, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस तुरंत जो भी करंट का स्टेटस होगा खुलकर आ जाएगा। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस खुलकर आ गया है, इसमें पूरा दिखाया जा रहा है, पूरा आपका प्रोफाइल पूरा यहाँ पर खुलकर आ गया, जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो रेड कलर करंट स्टेटस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा गया अगर आपका यहाँ पर आया रहेगा तो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, जैसे इसमें लिखा गया स्कॉलरशिप है यहाँ पर, उसके बाद अमाउंट पूरा यहाँ पर लिखा गया कि इस बैंक में आया है, बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये हो गए आपके दो तरीके। तीसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर आपको चले आना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है PFMS, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है, जो भी पहली वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आएगी उसी को आपको ओपन कर लेना है। लाइक यहाँ पर मैं ओपन इसे कर लेता हूँ PFMS को। तो गाइस ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है उसका सारा लेखा जोखा यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नो योर पेमेंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में अपने बैंक का नाम डालना है, जो भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर है यहाँ पर दो बार आप नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपके बैंक से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ से आप इस प्रकार बहुत ही आसानी से अपना पता कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल तीन तरीके बताए, आप तीनों में से कोई भी तरीका से अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सब लोग वीडियो काफ़ी पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब कभी मैं डालूं सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुँचती रहे। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।